This conference will now be recorded. तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की हम बात करने जा रहे हैं डेटा फील्ड सॉर्टिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। मतलब कि एक्सेल के जो हमारा मेनू होम मेनू बार है उसका जो हमारा ये एडिटिंग वाला टैब है, इस एडिटिंग टैब को आज की हम इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फील्ड के बारे में, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। डेटा फील्ड एक मिनट दीजिए। तो डेटा फील्ड, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा और सेम नंबर्स मुझे नीचे तक लिखने हैं या फिर सेम फॉर्मूला लिखना है, तो जनरली हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना। तो कॉपी पेस्ट ना करें, हमारे पे एक ऑप्शन है कंट्रोल डी का, मतलब कि फिल डाउन। होम मेनू बार में आएंगे तो आपका यहां से होता है फिल डाउन। फिल डाउन करने पे डाउन की तरफ चले आएंगे और राइट की तरफ करना है तो फिल राइट। आपने कई बार मुझे देखा होगा कि मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाते समय, यहाँ मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया रैंडम नंबर लेने के लिए, और फिर नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग किया और साइड की तरफ भी मैंने इसको ड्रैग करके कंट्रोल आर कर। तो कंट्रोल डी से डाउन होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, अप और लेफ्ट के लिए आपको यही आना पड़ेगा, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं अक्रॉस वर्कशीट की। अक्रॉस वर्कशीट क्या करता है? अब अक्रॉस वर्कशीट की बात हम करें तो उसके लिए हमें कई सारे शीट्स चाहिए होंगे। तो मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, इसमें मेरे पास कई सारे शीट्स हैं। अब मुझे क्या है कि हर सीट के A1 A2 में जाके एक डेट डालना है, इसे मैंने यहाँ पे डेट और आज का डेट डाल दिया। तो जनरली आप इसको कॉपी करेंगे, हर एक सीट पे जाएंगे कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट कर ले। ऐसा करने से क्या होगा कि सारा सीट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसमें हमें कंट्रोल वी करेंगे तो आप देखिए ये हमारा पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया, हर एक सीट पे पेस्ट हो गया। तो मतलब यही नहीं, अगर मैंने सीट को मान लीजिए पहले सीट को सिलेक्ट किया और सबसे लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट किया और इस बीच में कुछ भी करता हूं मैं, इसमें यहां पे लिख दिया टाइम, लिख दिया और यहां पे टाइम डाल दिया, तो ये सिर्फ इसी सीट पे नहीं होती है, जितने भी सिलेक्टेड सीट है, जब एक जगह सिलेक्ट सीट करोगे तो ऊपर ग्रुप आता है, जितने भी ग्रुप सीट्स है उसके हर एक सीट पे ये आपका इवेंट प्रोसेस होता है, चाहे कॉपी पेस्ट कीजिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग वगैरह है, देखिए मुझे से कुछ पार्ट चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते सबसे लास्ट में, और यहाँ फिल वाले ऑप्शन में आप आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट में फैसिलिटी होती है कि आप इसकी कंटेंट चाहिए या फॉर्मेट चाहिए। मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया तो देखेंगे हर सीट पे आपका फॉर्मेट अप्लाई हो। तो आपको एक सेम लोकेशन पे हर एक सीट पे जाके अगर कुछ टाइप करना है, कुछ ऐसी चीजें डालनी है, फॉर्मूला फंक्शन लगाना है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हेलो भावका जी, मुकेश जी, समर जी, कोई डाउट? हेलो इसमें यहां पे आपके सामने एक सीरीज का ऑप्शन है, अब मैं इसमें सीरीज की बात करता हूँ। चलिए वापस आते हैं फाइल पे। जैसे कि आप यहाँ पे एक लिखते हैं, दो लिखते हैं और सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देते हैं, ये तो ड्रैगिंग पॉइंट हुआ।
पर इसका ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि आगे चल के वीवीए वगैरह में आप ड्रैग तो नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास सीरीज होता है। सीरीज में अगर हमने लिया लीनियर वन और स्टेप वैल्यू मान लो 20 कर दिया स्टॉप वैल्यू, तो एक से लेके 20 तक का ये रिकॉर्ड आपको बना कर दे दिया। उसके बाद इसमें लीनियर के जगह पे अगर मान इसमें सीरीज में जो स्टेप वैल्यू है वन है, मैं इसको कर देता हूँ टू, तो ये क्या होगा कि तो दो दो का गैप देगा, एक तीन चार पांच इस तरह से। और उसके बाद यहाँ हम आते हैं सीरीज के अंदर में, इसमें हम लोग ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ में यहाँ हम टू देते हैं एंड ओके करते हैं। तो ग्रोथ में क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन करते चला गया, जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन करते चला गया। ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीरीज में अब आके हम बात करते हैं डेट। अब इसका यूज इस पे नहीं करते, ज्यादातर हम करते हैं डेट पे। जैसे डेट हमने लिखा और मान लो आपने ड्रैग कर दिया तो पूरा डेट आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ सैटरडे संडे का डेट चाहिए, सिर्फ सैटरडे एंड संडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे का डेट चाहिए, सैटरडे संडे का डेट नहीं चाहिए। तो मैनुअल डिलीट करने से अच्छा है कि आप सीरीज में जाए और डेट में, यहाँ डे मतलब कि डे आएगा वीक डे, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आएगा, इसमें सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चार और पांच नहीं है, जो चार और पांच सैटरडे संडे थी। उसी तरीके से सीरीज में आप आते हैं, तो सीरीज में आपके पास मंथ होता है, तो मंथ वाइज गैप देता है। फिर सीरीज में हम वापस आते हैं और यहाँ पे ईयर होता है, तो ये ईयर वाइज देता है आपका। अगर मैं इसको करूँ और वर्टिकल ओरिजेंटल दोनों देता है, जैसे कि मतलब ये आपका वर्टिकल था, हमने ओरिजेंटल सेलेक्ट कर लिया और फिर हम यहाँ सीरीज पे जाते हैं। तो सीरीज पे आते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पहले कॉलम था, अब रो पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, तो रो वाइज हो गया। तो इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा इसमें आता है आपका, वो आता है जस्टिफाई। देखिए अगर आपके पास 2016 तक है तो जस्टिफाई का यूज है, 16 के बाद जस्टिफाई का यूज उतना नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ नेम्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, अब ये नेम जो है इस नेम को आपस में ज्वाइन करना है, तो पूजा कमा नीरज कमा कविता वगैरह, तो उसके लिए हम जस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं। कॉलम को बड़ा करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां हमारे पास जस्टिफाई होता है। इस जस्टिफाई पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपका एक कॉलम में करेगा, वो कॉलम में जितना आएगा जितनी वैल्यू आएगी उतना कर देगा, फिर वापस मैं जस्टिफाई करता हूं, जस्टिफाई हो गया। अब बोलेंगे सर इसमें कॉमा तो लगा ही नहीं, मुझे कॉमा चाहिए, तो उसके लिए आप फाइंड एंड सेलेक्ट या कंट्रोल एच कर सकते हैं। इसमें जाइए, स्पेस को कॉमा में कन्वर्ट कर दीजिए, रिप्लेस ऑल एंड ओके, आपका रिप्लेस हो गया। अब लेकिन मुझे उसको वाइस वापस सही करना है, तो वापस आप कंट्रोल एच से कॉमा को स्पेस में रिप्लेस कर दें और फिर अपने कॉलम को छोटा कर ले और फिर इसको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया जस्टिफाई। वापस से इस फॉर्मूला, लेकिन 2019 में हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, वो है दो तीन फॉर्मूला है। एक होता है कॉनकेट, लग रहा है स्टार्ट नहीं है, तो सॉरी मेरा 2019 लग रहा है नहीं अपडेट हुआ है शायद। तो टेक्स्ट लाइन एंड कॉन्केट नाम का दो फॉर्मूला है, जिसमें आप एक रेंज को सेलेक्ट करके उसको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फ्लैश फील। फ्लैश फील आपका 2003 ऑनवर्ड फीचर्स है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, अब मैं यहाँ पे नेम कुछ नेम देता हूँ, सुजीत कुमार सिंह, रवि ऊर्जा वर्मा, मोहनलाल, ऐसे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। अब इसमें हमने मुझे इसमें से इसका फर्स्ट नेम, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें से फर्स्ट नेम एंड मुझे लास्ट नेम अलग करना है। तो उस केस में क्या करेंगे कि बस यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया स्ट्रीट, एंटर मारा और फिर इस पे मैं गया और फ्लैश फिल कर दिया। फ्लैश फिल करते आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम्स आ गए। फिर लास्ट का लास्ट में यहाँ पे सिंक कर देता हूँ। और देखिए फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल, तो फ्लैश फिल के जगह पे आप कंट्रोल एल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सौरभ जी, नहीं, गो टू मीटिंग का लिंक भेजा है, सैटरडे संडे को लंबी क्लास होगी तो गो टू मीटिंग से ही होगी। हाँ मतलब कि जूम में फिर 45 मिनट का एक टाइम होता है ना, ठीक है सर, मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, उसको कॉपी करके आपको खुद मेल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल फ्लैश फील्ड में हमारा कंट्रोल एल कीजिए तो आ जाता है नेम। सिर्फ नेम ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट दे दी और डेट में मुझे इसमें से मंथ, सॉरी इसमें प्लस कर देता हूँ मैं, मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है, तो इसमें मैं JUL जुलाई का नंबर डाला और यहाँ पे मैंने फ्लैश फिल कर दिया। फ्लैश फिल करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने डेटा यहाँ दिख गया, JUL सितंबर इसका पूरा। यही आपके पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इसमें से आगे का दो नंबर अलग करना है, तो 12 लिखा और मैंने यहां पे फ्लैश फिल दिया। असल कहने के मतलब है कि सेल के अंदर कोई भी वैल्यू है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को आप अलग कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर डिजिट ऊपर नीचे है तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैश फिल समझ में आ गया आप लोगों को, फ्लैश फिल से भी प्रॉब्लम है। समर जी, मुकेश जी, भाविका जी, फ्लैश फिल में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं म्यूट करके बोल सकते हैं अगर जी। नहीं सर, चलिए अब फ्लैश फिल के बाद अगला आता है हमारा क्लियर का। जैसे कि एक एरिया सिलेक्टेड है और इसके बहुत सारे फॉर्मूला और फंक्शंस वगैरह इंक्लूड है इसके, और मुझे इसको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। जैसे लोग इसको डिलीट कर देते हैं, तो मैं डिलीट ना करके हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है क्लियर ऑल, ये पूरी तरह से क्लियर कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्लियर फॉर्मेट, इसकी जस्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, और फिर आता है क्लियर यहाँ पे क्लियर कंटेंट, ये सिर्फ कंटेंट को क्लियर करता है, तो पूरा डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं डेटा पे, क्योंकि हमने अपना
फ्लैश फील और क्लियर के दो ऑप्शन को हम जान चुके हैं, और इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं शॉर्टिंग एंड फिल्टर के, तो हम बात करेंगे सबसे पहले शॉर्टिंग पे। तो मैं एक डेटा है आपके सामने, अब सबसे पहले जानिए कि हम डेटा को शॉर्ट क्यों करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए कि एक लिस्ट में आप अपना नाम लिखने जा रहे हैं, आप आउट लिस्ट जो है अल्फाबेटिक शॉर्ट है, तो आप जो है जैसे सनवर जी एस वाले सेक्शन में देखेंगे, एस वाले सा नाम देखेंगे, उनको तो पूरा लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिस्ट किसी चीज पे अरेंज नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, तो हर किसी को अपना नाम देखने के लिए पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। या फिर मान लीजिए मुझे इसमें से टॉप 5 सैलरी चाहिए, तो मैंने इस पे कर्सर रखा और यहाँ पे गया और हमने ए टू जेड शॉर्ट कर लिया और ऊपर से 5 बार डेटा को कॉपी कर लिया। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे टॉप 5 सैलरी मिल गया। तो इन सब चीजों के लिए भी हम कॉल इसका यूज करते हैं। अब चलिए शॉर्ट, अब शॉर्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जान लीजिए। सबसे पहले आप डेटा को देख लीजिए, डेटा का कोई हेडिंग ब्लैंक तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब डेटा को आपको सिलेक्ट करके शॉर्ट करना है, ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर डेटा के अंदर कोई ब्लैंक सेल है, पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, तो फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद ही शॉर्ट करना होगा। आपने बिना सिलेक्ट किए शॉर्ट किया तो कंट्रोल ए मतलब कि एक करेंट रीजन जो दिख रहा है इस पे ही रह जाएगा, नीचे के डेटा को शॉर्ट नहीं करेगा। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि मुझे सिर्फ एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। जैसे मुझे मान लीजिए शॉर्ट करना है बोनस के अकॉर्डिंग, तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस पे कर्सर रखें और शॉर्ट और फिल्टर में जाए, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू जेड, सिंपल सा। लेकिन मुझे शॉर्ट करने हैं दो तीन फील्ड के अकॉर्डिंग, मुझे शॉर्ट करना है मान लीजिए डिपार्टमेंट और सैलरी के अकॉर्डिंग, तो उस केस में फिर मुझे कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, कस्टम शॉर्ट, और फिर यहाँ हम जो है डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर एड लेवल इसी के नीचे हम सिलेक्ट करेंगे सैलरी। एंड तो आप देखिए सेल्स वाले पूरे आ गए और सेल्स के अंदर जो भी सैलरी है वो आपका रेंज ऑर्डर में है। दो फिल्टर करते हैं, तो इस तरह की चीजें तो शॉर्टिंग आप करते होंगे। अब चलिए इसमें जो नई चीजें है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर मैंने शॉर्ट किया मंथ वाइज, सबसे पहले हमारा डिसेंडिंग हो गया, माफ कीजिएगा, जी मुझे सबसे पहले आपका अप्रैल आएगा ना कि जनवरी। तो मुझे क्योंकि अल्फाबेटिक चल रहा है तो मुझे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, अगर यहाँ पे डेट होता तो शॉर्ट होता, पर डेट नहीं है सिर्फ मंथ है। तो यहाँ पे हम कस्टम शॉर्ट पे आते हैं और यहीं पे हमारे पास कस्टम लिस्ट होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कस्टम लिस्ट जिसमें आप जैन फैम सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कीजिए, उसके बाद आप इसको इजीली शॉर्ट कर सकते। ओके, भी हो सकता है ना डायरेक्ट कस्टम क्या सॉर्टिंग करते हैं ना, क्या बोलना है? कस्टम फील्ड में जाके डायरेक्ट ए टू जेड भी कर सकते हैं ना इसको। ए टू जेड, वही तो मैं आपको समझा रहा था सर, अगर आप ए टू जेड करते हैं रणबीर जी हाँ तो ओके, तो हाँ सर वो कैलेंडर पहले अप्रैल आएगा, पहले अप्रैल आ जाएगा हाँ, डायरेक्ट। फिर अप्रैल के बाद अगस्त आएगा, मई नहीं आएगा। और दूसरा ये हुआ कि मुझे कैलेंडर ईयर नहीं, मुझे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो आप कस्टम फॉर्मेट में यहीं पे कस्टम लिस्ट में जाएंगे तो न्यू लिस्ट में आप अपना सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अब उसको सेलेक्ट करके मैंने इसको ओके कर दिया और जैसे ही ओके किया अब देखिए अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त आ रहा ना कैलेंडर ईयर। तो सिर्फ इसमें ही नहीं, जैसे डिपार्टमेंट भी है, तो मैं चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमारा सबसे पहले आया, उसके बाद अल्फाबेटिक पे शॉर्ट हो जाए। तो आप यहाँ कस्टम शॉर्ट के अंदर में, यहाँ कस्टम लिस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, मैंने बना रखा है, आप न्यू लिस्ट में करके बना सकते हैं कि आईटी, सेल्स, फाइनेंस, आरएनडी एंड ओके किया एंड ओके। तो मेरा डिपार्टमेंट पहले सेल्स आया, मार्केटिंग, फिर आईटी आया, शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसका शॉर्ट कर सकते हैं। तो मंथ का अकॉर्डिंग हो गया, मंथ में नहीं करना, डिपार्टमेंट पे करना ना, मैं तो बोला हूँ आईटी सेल्स। ओके सर, अब इसमें एक चीज और देखिए कि मेरा आईटी स्मॉल लेटर है और यहाँ पे कैप्स लेटर भी है, ठीक है सर, दोनों मिक्सअप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कस्टम शॉर्ट में हमारा ऑप्शन के अंदर में केस सेंसिटिव पे क्लिक नहीं है। अगर मैंने केस सेंसिटिव पे क्लिक कर दिया, फिर ओके किया, फिर ओके किया, तो आप देखेंगे कि पहले अल्फाबेटिक वाले आएंगे, ये तो कस्टम शॉर्ट है, इसलिए नीचे नीचे चला गया है, लेकिन नीचे नहीं जाता है। मैं अगर कस्टम हटा देता हूं तो कस्टम हटा देता हूं मैं आपसे, देखा पहले आपका स्मॉल लेटर आया और फिर आपका कैप्स लेटर आया, इस तरह से करता है। तो अभी तक तो जो हमने शॉर्ट किया वो वैल्यू के अकॉर्डिंग किया। अब जैसे हमने कुछ कलर हाईलाइट कर रखे हैं, मैं चाहता हूँ जो हाईलाइटेड कलर है वो टॉप पे आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हाईलाइटेड कलर है वो टॉप पे आना चाहिए, तो उस केस में कस्टम शॉर्ट पे हम जाते हैं और यहां से मैं सैलरी को सिलेक्ट किया और सैलरी में मैंने सिलेक्ट किया सेल कलर और फिर यहां नो कलर पे मैंने कलर चूज कर लिया, ऑन द टॉप चाहिए या ऑन द बॉटम चाहिए, यहां लेके। तो यहां जितने भी कलर थे वो टॉप पे आ गए। कलर ही नहीं, मान लीजिए मेरा ओवर टाइम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आइकन्स लगा रखे हैं और मैं सॉर्ट करना चाहता हूं आइकन के अकॉर्डिंग, तो हम आइकन के अकॉर्डिंग भी अपना सॉर्ट कर सकते हैं कि कस्टम सॉर्ट में हम जाएंगे और यहां सैलरी के जगह पे बोनस ऑन द टॉप और यहां पे कलर के जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को लेंगे और यहां से हम बोनस पे नहीं आते ओवरटाइम पे। यहां से मान लीजिए कि मुझे सबसे ऊपर में चाहिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन भी आप अपने सॉर्टिंग में इस्तेमाल कर सकते। अब यहां पे अगर आप सॉर्ट करते हैं ऊपर, यहां पे यहाँ आपके सामने ओवर टाइम है दिख रहा है या फिर जो भी नेम फिल के दिख रहा है, क्योंकि इस पे क्लिक है माई डेटा हैज हीडर पे। अगर मैंने माई डेटा हैज हीडर को हटा दिया तो देखिए आपका ये एबीसीडी यहाँ देखिए, ठीक है सर, सिर्फ एबीसीडी आपको। तो इसलिए आप अगर कभी ऐसा दिखा तो आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्लिक है कि नहीं। ओके, अब अभी तक शॉर्ट में टॉप बॉटम किया, अब हम शॉर्ट करना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर मैं दूसरे एक सीट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा रखता हूँ कि मंथ है और यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे मैं जैन कर देता हूँ, यहां पे मैं अपना
अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं शॉर्ट टॉप टू बॉटम नहीं लेफ्ट टू राइट करना चाहता हूं। तो शॉर्ट में कस्टम शॉर्ट पे जाइए, यहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इस लेफ्ट राइट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके। और यहाँ पे मुझे रो टू के अकॉर्डिंग करना है, रो टू एंड ओके। तो आप देखिए आपका शॉर्ट हो गया। अब चलिए ये तो शॉर्टिंग का पार्ट है, अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स शॉर्टिंग के जरिए, ट्रिक्स किए जाने में ट्रिक्स। जैसे मुझे यहाँ पे हर एक रो के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, तो क्या करें इसके लिए हम शॉर्टिंग का मेथड इस्तेमाल करें। यहां पे मैं सीरियल नंबर दिया 1 3 और सीरियल नंबर को ड्रैग कर देता हूं, फिर वापस इसी को सिलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूं। ओके, अब फिर मैं इसको सिलेक्ट करके कस्टम शॉर्ट में आता हूं और कस्टम शॉर्ट में यहां पे सीरियल नंबर सेलेक्ट कर, यहां पे सेल वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब इसमें क्या है, रूल क्या है कि जब सॉर्ट करेंगे तो जो दो 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 वन था वो वन इकट्ठा हो गया, तो एक वन पे हमारा डेटा था और दूसरा वन हमारा ब्लैंक था, यहां पे ब्लैंक। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी, मुकेश जी, तो डाउट इसमें? हाँ ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे इसमें सारे ब्लैंक, मान लीजिए कि आप जब डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें कहीं कहीं पे ब्लैंक होता, रो होता है, जैसे 10 रो के बाद ब्लैंक है, 15 रो के बाद ब्लैंक है, तो जो बहुत सारे रो क्या करते हैं उस ब्लैंक रो को डिलीट करते हैं फिल्टर लगा के। तो फिल्टर लगा डिलीट करने से दिक्कत है, एक तो हैंग होगा, डेटा मूवमेंट होगी, ऊपर से आपका पीछे का डेटा डिलीट होने के चांसेस है। इसका इसका एक और अच्छा सा यूज है, एक तरीका है इसको करने का, मैं बताता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम कस्टम शॉर्ट में जाते हैं और यहाँ किसी एक आईडी या किसी एक अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं, तो डेटा हमारा ऊपर आ जाएगा और जो हमारा ब्लैंक सेल था वो इसके पीछे चला जाएगा, नीचे आ गया, तो ये आपका जल्दी हो गया और डेटा भी आपका दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये हमारा शॉर्टिंग का पार्ट। शॉर्टिंग हम आपको आज क्लियर कर दिए। शॉर्टिंग के बाद अगला चैप्टर आता है फिल्टर का, क्योंकि शॉर्टिंग फिल्टर दोनों है। अब चलिए हम फिल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली मेरे हिसाब से फिल्टर तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। फिल्टर 3 तरह के होते हैं, डेट फिल्टर, नंबर फिल्टर एंड टेक्स्ट फिल्टर। तो डिपेंड करता है कि उसके कॉलम, इसमें उसके कॉलम में क्या डेटा है। इस डेटा में टेक्स्ट है तो यहाँ आपके टेक्स्ट फिल्टर है। एक तो यहाँ पे आपके जिस टिक पे क्लिक करें वो फिल्टर होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंडीशन फिल्टर की। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर वर्ड को या उसके अलावा या उससे स्टार्ट भी पे, एंड जैसे स्टार्ट भी बोल दिया कि उसका नाम डी से स्टार्ट है वो हाईलाइट हो गया, जितने डी वाले नाम थे वो हाईलाइट, यहाँ पे आपको फिल्टर होगा, हाईलाइट मार्क कीजिएगा फिल्टर होगा। इस तरह की कंडीशन आप यहाँ लगा सकते, यही नहीं आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर फिल्टर कलर है तो फिल्टर बाय कलर कर दीजिए तो आपका कलर हो जाएगा, या आपके पास आइकन्स है तो फिल्टर बाय कलर में ही आपके पास आइकन्स होंगे तो आइकन्स भी लेके आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर फिल्टर की, तो बाकी तो नंबर फिल्टर में सेम है, बट यहाँ नंबर फिल्टर में कुछ ऐसे कंडीशन बढ़ गए हैं जो कि कस्टम फॉर्मेटिंग में कंडीशन थे, greater than equal to, less than equal to, between, top 10, above average, below average and custom list।
तो कस्टम फिल्टर सब में आता है। इसमें क्या है कि एक से ज्यादा फिल्टर करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे बोला कि मुझे इट्स ग्रेटर देन 50,000 चाहिए, राइट। और मुझे मुझे इसमें दूसरा कंडीशन और लगाना है कि इट्स लेस देन 35, मतलब मुझे 35,000 से नीचे का डेटा और 80,000 से ऊपर का डेटा चाहिए। तो दो कंडीशन लगाया, लेकिन यहाँ पे एंड क्लिक है, यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि ये और का कंडीशन है। इसमें कोई एक कंडीशन ही फुलफिल हो सकती है, खाए तो 80,000 से ऊपर होगा या 35,000 से नीचे। तो उस केस में एंड की जगह पे हम और का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे 35,000 से नीचे वाला आ गया, 80,000 से ऊपर वाला भी आ गया। ये हमारा नंबर फिल्टर में होता है। उसी तरह से सारी चीजें टॉप टेन या बॉटम टेन, यहाँ टॉप और बॉटम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या चाहिए, वो हाईलाइट करेंगे तो ये आपका हाईलाइट होगा, तो हाईलाइट भी सिलेक्ट होगा। तो नंबर फिल्टर के बाद हम आते हैं डेट फिल्टर में। जब डेट फिल्टर आप लगाते हैं, सबसे पहले आपका डेट ईयरली ग्रुप होगा। अगर उसमें एक साल से ज्यादा का डेटा हुआ, मैं ईयर को एक्सपेंड करूंगा तो मंथ, मंथ को एक्सपेंड करूंगा तो डे, डे को टाइम, टाइम मिनट सेकंड सब आएगा, अगर टाइम वगैरह है तो। तो जिसको क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होगा, लेकिन इसके भी कंडीशन है डेट फिल्टर की, इसमें कुछ ज्यादा ही है। जैसे कि इक्वल किया तो मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट, मतलब फिल्टर करना है, बिफोर उस डेट से पहले, आफ्टर उस डेट के बाद और बिटवीन दो डेट के बीच। ये जो चार ऑप्शन है इसका आप मैनुअली डेट डाल सकते हो, वो डेट आपका वो फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टुमारो, कल की डेट को हाईलाइट कर देता है, कल की डेट है नहीं हाईलाइट नहीं किया, टुडे आज की डेट, स्टर्डे सिस्टम स्टर्डे डेट, ये आपका सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है। इसमें आप डेट नहीं डाल सकते, वो सिस्टम डेट से अपने आप को कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट वीक को अगला मंडे टू फ्राइडे का डेट जो है हाईलाइट कर देगा, दिस वीक अभी जो दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर एंड लास्ट ईयर। इसी में एक और है ईयर टू डेट, तो दिस ईयर करते हैं तो पूरा 2019 का आपको डेटा फिल्टर कर दे, लेकिन यहाँ लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो सॉरी ईयर टू डेट की बात करते हैं, तो जिस दिन फिल्टर लगाते हैं उस दिन तक, 1 जनवरी 2019 से जिस दिन फिल्टर लगाएंगे उस दिन तक। ये सब चीजें सेम ईयर का करता है, लेकिन मान लीजिए मेरे पास 3 साल का डेटा है, मुझे जनवरी महीने का डेटा चाहिए तीनों साल का, तो ऑल डेट इन पीरियड पे जाएंगे। अगर मैंने जनवरी सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास जनवरी के 2015 के भी या 14 के भी, 13 नहीं से नहीं आया, बड़ा 13 होता 13 भी है। ऑल डेट पीरियड का काम यही है कि आप जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो दिखाएगा, अक्टूबर का अक्टूबर का आएगा, इसी तरह। ठीक है सर, ये फिल्टर भी। अब जिस जिस चीज ध्यान रखिएगा कि फिल्टर के डेटा जब भी आप कॉपी कीजिएगा वो कर लीजिएगा कंट्रोल जी स्पेशल गो टू, या सॉरी करेंट विजुअल सेल्स, क्योंकि ऐसे करने से पीछे का डेटा आपका कॉपी नहीं होगा। इसके लिए समझा दूं आप एग्जांपल, इसके आगे ने कुछ नंबर दे दिया और बीच के हमने दो नंबर को हाइड कर दिया, मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूं, अब कहीं पेस्ट करता हूं तो देखिए क्या है। तो इसको पेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा,
कॉपी पे नहीं, कॉपी करने से पहले और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ कंट्रोल जी स्पेशल और इसमें हम सिलेक्ट करते हैं विजुअल सेल्स ओनली। सो कॉपी कीजिए और जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट कीजिए। ठीक है सौरभ जी, मुकेश जी और बाद का जी। तो बेसिकली क्लास 10 बजे का अरेंज किया था बट आप लोगों को आने में दिक्कत टाइम लग गया, 12 बजे टाइम दे रखा है तो आज की क्लास यही।